हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। आज हम जीव विज्ञान की इस कड़ी में शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाएंगे। आइए उसका आउटलाइन खींचने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसे आसानी से आप बना सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखें। बच्चों, हमने क्या बनाया? शुक्राणु के चित्र का आउटलाइन बनाया। अब हम इसके भागों को नामांकित करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब आपके सामने शुक्राणु का नामांकन हो चुका है। आइए पहले जानने को से कौन कौन से भाग हैं। पहले भागों को जानने से पहले हम ये जानें, शुक्राणु क्या होते हैं? नरयुग्मक होते हैं, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। यह अगुणित होता है, यह नरयुग्मक कहलाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण के अंदर होता है। कौन सा होता है डिवीजन? अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत इस स्पर्म का निर्माण होता है, वो अगुणित होता है। आइए इसके भागों को देखते हैं। इसके चार भाग है। पहला जो भाग है शीर्ष है, दूसरा भाग है ग्रीवा, तीसरा भाग मध्य भाग और चौथा है पूंछ। पहले देखते हैं, शीर्ष वाले भाग में बड़ा सा लंबा केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक के ठीक ऊपर टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे हम अग्रपिंडक कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। शीर्ष के चारों ओर, यहां तक कह सकते हैं कि पूरे
आकार के बाहर जीव द्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अग्रपिंडक का निर्माण किससे होता है? गॉल्जी बॉडी से होता है। अग्रपिंडक में हाइड्रोलिटिक जल अपघटनी एंजाइम होते हैं जो निषेचन के दौरान अंडाणु के परतों को क्या करता है? गलाता है। इस तरह यह निषेचन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये शीर्ष वाले भाग का परिचय हुआ, उसमें क्या क्या था आपका? एक बड़ा सा केंद्रक और अग्रपिंडक। अब देखते हैं दूसरा भाग, ग्रीवा होता है। शीर्ष और मध्य भाग के बीच में ग्रीवा पाया जाता है। इस ग्रीवा वाले भाग में दो तारक केंद्र होते हैं, एक होता है अग्रस्त तारक केंद्र जिसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, दूसरा होता है दूरस्थ तारक केंद्र डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। ये दूरस्थ तारक केंद्र ही एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है जो ग्रीवा से होते हुए पूंछ तक फैला होता है। अब देखते हैं शुक्राणु का तीसरा भाग जो मध्य भाग कहलाता है। इस मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकांड्रिया पाया जाता है। यह माइटोकांड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी ऊर्जा की मदद से शुक्राणु क्या करते हैं? गति प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं, आखिरी जो चौथा भाग है पूछ है। इसी पूछ की मदद से वो क्या करता है? मूवमेंट गति करता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा? शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाया, उसके भागों के बारे में जाना। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।